खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के नगर विभिन्न मार्गों से राष्ट्रीय अंबेडकर सेना की मौर दिवस पर निकाला गया जुलूस। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर करेगी चोर की शिनाख्त। साइकिल चोरी की वारदात को पुलिस ने लिया संज्ञान में, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। सुल्तानपुर वर्ष 2022 के पहले संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी ने कहा संकल्प ले नागरिक हित में समय से काम करेंगे अधिकारी कर्मचारी। सुल्तानपुर में जनपद में धरना प्रदर्शन के दौरान मिल कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष ने कहा समस्या का नहीं मिला हल तो होगा चक्का जाम। सुल्तानपुर विभिन्न मामलों से वांछित चल रहे वारंटी अभियुक्त को पुलिस ने बागनापुर इलाके से किया गिरफ्तार, कार्यवाही में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर जनपद में चीनी मिल कर्मचारियों ने 34 महीने में नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। सुल्तानपुर तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम एसपी और सीडीओ ने समस्याओं को सुना। सुल्तानपुर जनपद में 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को गौशालों में रही दुधारू गायों को सौंपा गया, 900 प्रतिमा देगी सरकार। सुल्तानपुर सरैया केलनपुर इलाके में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बोरी में कैद किया अजगर सांप। सुल्तानपुर जिले में मिल कर्मचारी धरने पर शामिल हुए सपा नेता, मौजूदा सरकार पर जमकर साधा निशाना। सुल्तानपुर जयसिंहपुर रामबरन पीजी कॉलेज में विभारपुर के छात्रों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया नववर्ष, प्रवर्धक ने कई शिक्षा नीति पर डाला प्रकाश। सुल्तानपुर लंबुआ चांदा में पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी से किनारों के फसलों को हुआ लाभ। सुल्तानपुर रेड क्रोरस संस्था में जयसिंहपुर क्षेत्र के दर्जनों परिवार को गोराम रखने को वितरित किया गया त्रिपाल। सुल्तानपुर तातो मुरैदी में 70 महिलाओं एवं बच्चों को वितरित की गई खाद्य सामग्री। सुल्तानपुर तहसीलदार सभागार में उप जिलाधिकारी अध्यक्षता में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस, सुनी लोगों की जन समस्याएं। सुल्तानपुर क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी ने भ्रमण करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के गतदेय स्थल का किया औचक निरीक्षण। सुल्तानपुर लंबुआ में सदवे से शिल्प मेले, लोग जमकर कर रहे खरीदारी।